हेलो गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों को मेरा भाव भाई नमस्कार और मैं भी साहब सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्टबुक पर सो so, फटाफट जल्दी से आइए सेशन को ज्वाइन करिए मुझे बताइए एक बार एक बार इस ऑडियो वीडियो क्लियर ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है जल्दी से आ जाइए सेशन को ज्वाइन करिए क्लास को आगे बढ़ाइए चलो भाई फटाफट आ जाओ गुड मॉर्निंग संस्कार गुड मॉर्निंग अंकिता सिंह गुड मॉर्निंग पाखी शर्मा गुड मॉर्निंग चलो गुड मॉर्निंग काजल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए विवेक विवेक भाई गुड मॉर्निंग विवेक भाई सलाम रोकी भाई चलिए और आपका आज का सेशन में आज का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों के को जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ठीक है अगले आगे आगे आ, आने वाले दिनों में राइट चलिए इसी बात पर आगे बढ़ दें और देखते हैं हमारे क्लास कितने जल्दी टाइमिंग नोट कर लीजिए कि टाइमिंग रहती कितने जाती है कितने बजे सात बजे रहती है सेवन ई एम पर टाइमिंग रहती है इस टाइमिंग को भूलिएगा मत याद कर लीजिए ठीक है इसके साथ आपका जो क्लास का पी डी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जिसका नाम है ए पी एस स्पेस सर स्पेस टेक्सट बुक राइट ए पी एस स्पेस सर स्पेस टेक्सट बुक पर मिल जाएगा आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी साथ देखेंगे बेटा हमारे पहला सवाल उससे पहले करेंगे कुछ रिवीजन राइट हमारा क्या रहता है पहले रिवीजन रहता है रिवीजन करेंगे सबसे पहले गुड मॉर्निंग राहुल और रोहितस गुड मॉर्निंग चलिए पहला सवाल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन थ्री पॉइंट ओ का शुभारंभ किया गया बिजली मिनिस्टर हैज लॉन्च द फिट इंडिया फ्रीडम रन थ्री पॉइंट ओ नितिन जयराम गडकरी राजनाथ सिंह भूपेंद्र यादव या अनुराग सिंह ठाकुर इनमें से द्वारा किया गया चलो भाई जल्दी बताओ फटाफट अनुराग ठाकुर आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा आंसर करेक्ट आपका अनुराग ठाकुर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अनुराग ठाकुर हो जाएंगे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सर इसके अलावा था हमारा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनोग्रेटेड द सेकेंड आदर्श वेद विद्यालय इन विच सिटी मुंबई पुणे पुरी कोलकाता मुंबई पुणे पूरी कोलकाता में से कौन सा जवाब आपका हो जाएगा जरा बताएं तो यहाँ पर दूसरा वेद विद्यालय बनाया गया यहाँ पर पूरी में तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा पूरी ठीक है बात पूरी हो जाएगा और इसी के साथ देखेंगे बेटा कि यहाँ पर हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा वंदे मातरम पहल शुरू की गई है तो वंदे मातरम इनिशिएटिव हैज हैजमिन लॉन्च बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच स्टेट तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक हरियाणा हरियाणा किसके साथ शुरू किया गया यहाँ पर हो जाएगा बेटा कौन सा हमारा कहा जब बोली महाराष्ट्र चलो भाई आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा राइट महाराष्ट्र हो जाएगा तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया हमारा बंदे मातरम इनिशिएटिव ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र इज द तो राइट आंसर चलिए अब आज अगले क्वेश्चन आता है यहाँ से देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है तो भाई स्टेट गवर्नमेंट रूफ टॉप प्रोजेक्ट अंडर रीन्यूएबल इनर्जी यूपी राजस्थान उड़ीसा झारखंड यूपी राजस्थान उड़ीसा या फिर हो जाएगा झारखंड चलिए क्लियर नहीं दिख रहा है क्लियर बेटा इसलिए दिख रहा होगा क्लियर आपका क्वालिटी बाय क्वालिटी आपने कम कर रखी होगी कम कर रखी होगी अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो तीन सौ साठ पे सही दिख रहा है तीन सौ थ्री सिक्सटी पर देखेंगे दिख जाएगा आपको दो सौ चालीस पर भी दिख रहा होगा लेकिन अगर आप एक सौ चवालीस पर देखेंगे तो आपको धुंधला दिखेगा बालमुकुंद बालमुकुंदुंद सोनी जी ठीक है वन फोर्टी फोर पर धुँधला दिखेगा वो तो अभ्य से धुंधला दिखेगा वन फोर्टी फोर पर और टू फोर्टी पर सही दिखेगा आपको थोड़ा सा अगर थ्री सिक्सटी पर देखेंगे थ्री सिक्सटी पर आपको एकदम बढ़िया दिखेगा कोशिश करिएगा हाँ दो सौ सही दिख रहा है अब वन फोर्टी तो नहीं दिखेगा सही ना भाई चलिए आंसर यूपी राजस्थान उड़ीसा एंड झारखंड आंसर क्या हो जाएगा बैठा इसका आंसर हो जाएगा इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा यूपी हो जाएगा ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से अगला सवाल आता है क्या कि भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है वू हैज बिन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली तो विराट कोहली राजकुमार राव पंकज त्रिपाठी प्रियंका चोपड़ा तो यहाँ पर देखेंगे बेटा पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे इनको इन्होंने ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है ठीक है दोस्त आगे बढ़ते हैं इसके अलावा देखेंगे पंकज त्रिपाठी बनाया गया है और किस भारतीय को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया किस भारतीय किस भारतीय को कनाडा में अनिल अग्रवाल जितेंद्र सिंह या बोले तो संदीप कुमार या बोले आपसे क्या रोहित शर्मा क्या हो जाएगा यहाँ से जरा बताएं तो यहाँ पर बैठेंगे हमारे जो इंडियन है उनका नाम हो जाएगा जिनको चलिए जिनको क्या किया गया सम्मानित किया गया वो हो जाएंगे हमारे कौन जो अनिल अग्रवाल जी हो जाएंगे राइट अनिल अग्रवाल जी हो जाएंगे इसके साथ देखेंगे यहाँ पर कि किस शहर में पंद्रह अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव दो आयोजित किया गया है इन विच सिटी द फिफ्टी इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल दो हैज़ बाईस ऑर्गेनाइज रायपुर जयपुर अजमेर लखनऊ रायपुर जयपुर अजमेर लखनऊ गुड मॉर्निंग मीनल गुड मॉर्निंग मीनल भी आ चुकी हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका इधर हाँ अजमेर हो जाएगा राइट तो हो जाएगा बेटा आपका अजमेर हो जाएगा ठीक है दोस्त चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ और यहाँ पर देखते हैं कि राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है विद स्टेट यूनियन टेरेटरी इज द होस्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट आई मिनिस्टर नई दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा या फिर उत्तराखंड हो जाएगा राइट बताएँ तो राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सेवेंट का मेजबान जो देश हमारा शासित प्रदेश हो जाएगा वो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका बेटा नई दिल्ली न्यू दिल्ली हो जाएगा इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कि किसने हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है तो गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने वाले कौन हो जाएंगे यहाँ पर मुकेश गुप्ता जगदीश जगदीश प्रसाद लालचंद यादव या संदीप कुमार तो उनका नाम हो जाएगा बेटा यहाँ पर कौन आपके संदीप कुमार जी हो जाएंगे जिन्होंने गेल का पदभार संभाला है तो ये अपॉइंटमेंट से सवाल हो जाएगा संदीप कुमार ठीक है दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और यहाँ पर देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन किस मंत्रालय आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है तो मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा चुनाव आयोग नीति आयोग शिक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय तो अब इस बात है कि चुनाव से संबंधित हो जाएगा मतदान से संबंधित है तो यहाँ पर चुनाव आयोग आ जाएगा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन आ जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ने आपने क्या किया नोट कर लिया ठीक है चलिए भाई इसी बात पर आगे बढ़ेंगे वेरी गुड गुड मॉर्निंग आशीष पटेल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई चलो अब बढ़ते हमारे कुछ हो गए सवाल चलिए हेडलाइंस 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 और नो हेडलाइंस में डालना ही बोल गया हेडलाइंस में आपकी डालना बोल गया हेडलाइंस आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट थी मुझे लग रहा है कि मैंने पीपीटी बना के इसमें ऐड नहीं किया एक मिनट रुकेगा बात मिला दूंगा आप लोगों ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं आज गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च द गतिशक्ति पोर्टल तो गतिशक्ति पोर्टल यहाँ पर हमारे जो किस स्टेट ने लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला हमारा जो देश है पहला स्टेट बन गया देश में जरा बताइए एनी एनीवन 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 बताएं तो जाएगा, हो जाएगा एम पी हो जाएगा गुजरात हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा जरा बताइए चलो एम पी गुजरात राजस्थान या महाराष्ट्र तो बिथ एच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू तो लॉन्च द गतिशक्ति पोर्टल आंसर दो भाई फटाफट कौन सा हो जाएगा गुज्जू गुजरात चलिए भाई सब गुजरात लगा रहे हैं और नीरज ने एमपी लगाया है और आंसर यहाँ हो जाएगा बेटा कौन सा गुजरात भाई अपना गुजरात अपना गुजरात गुजरात प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति परियोजना चलाई है गुजरात गुजरात में ठीक है बात गति शक्ति परियोजना गुजरात वेरी गुड अब देखो यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं हमारे कुछ स्टेट से कुछ लॉन्च वगैरह से देखते हैं जैसे कुछ योजना से अभी हाल ही में ना एक मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है और एक ही जगह पर की गई है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल मेडिकल स्कीम हैज बिन लॉन्च एट बिच प्लेस तो हो जाएगा हमारा कौन सा छत्तीसगढ़ हो जाएगा ठीक है इसके साथ साथ किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है तो मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने वाला हो जाएगा सरकार हमारी कौन सी झारखंड हो जाएगी ठीक है बात मुख्यमंत्री सारथी ठीक इसके अलावा किस राज्य सरकार की जनता ने शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी पोर्टल सीएम द हैसी पोर्टल को लॉन्च किया है तो जाएगा हमारा कौन मणिपुर हो जाएगा इसी के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए जिसका नाम है जिला सुशासन पोर्टल या बोले तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए एक हमारी स्टेट ने एक पोर्टल बनाया है उसका नाम हो जाएगा जिला सुशासन पोर्टल वो जाएगी हमारी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी और इसी के साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा चौड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया गया है तो स्किल ऐप जो लॉन्च किया गया है बेटा वो आपका हो जाएगा किसमें चमड़ा क्षेत्र के लिए और स्टेट हो जाएगी हमारी धर्मेंद्र प्रधान राइट तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है ये ठीक है धर्मेंद्र प्रधान मंत्री जो हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे ठीक है दोस्त चलो भाई चलिए एनी वन एनी वन एनी वन गुड मॉर्निंग पाखी गुड मॉर्निंग प्रशांत गुड मॉर्निंग विशाल मौर्या जी चलिए आगे बढ़ते दोस्त खोया हुआ था हाँ खोए खोए रहते हो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष गोलकीपर चुना है हु हैज बिन जूजन एज द वेस्ट मेल गोलकीपर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो डेविड हार्टे विंसेंट विंसेंट बाना जॉब स्टॉकमैन या एज आर श्रीजेस बताए बेटा डेविड हार्टे विंसेंट बानाचो जॉब स्टॉकमैन पी आर मेन गोलकीपर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेल बेस्ट मेल गोलकीपर किसे चूज किया है आंसर पर बेटा आपका पीआर आर राइट आगे लिखेंगे पीआर आर स्रीजियस. पीआर सिर्जस को इन्होंने क्या किया है वेस्ट गोलकीपर क्या किया है इन्होंने चूज किया है ठीक है बाद आगे बढ़ेंगे हॉकी फेडरेशन के द्वारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है अब जो देखिए कुछ सवाल और बन जाते हैं जैसे देखा जाए कि आ, स्पोर्ट्स में अंडर ट्वेंटी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वर्ण पदक किस में अंडर ट्वेंटी में हो गई किसमें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं तो उनका नाम है बेटा पहली है लेकिन नाम क्या है अंतिम है अंतिम पंगाल जी हो जाएगा इसका जवाब ठीक इसी के साथ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा तो सुल्तान अजलान शाह कप आपका इंटरनेशनल मैंस हॉकी टूर्नामेंट नवंबर में कहाँ आपका कहाँ होगा आपका मलेशिया में आयोजित किया जाएगा ठीक है इसके साथ साथ में छः हंड्रेड मैच खेलने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन बन गया है तो सिक्स हंड्रेड मैच खेलने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर बन गया है कौन किरण पोलाट बन गए हैं दस रन बनाने वाले कौन बन गए हैं दस हज़ार वाले 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 ना दे ना दे बनाने वाले कौन हो जाएंगे विराट कोहली हो जाएंगे इसके अलावा सबसे ज़्यादा छक्के आगे देखते हैं इसके अलावा देखेंगे वो हमारे रोहित शर्मा हो जाएंगे ठीक है बात आगे बढ़ते हैं चलिए वेरी गुड अगला सवाल यहां से है देखते हैं कि सत्रह से बीस अक्टूबर को कहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा आयोजित की जाएगी तो वेयर विल बी द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वी हेल्ड ऑन द अक्टूबर सत्रह से बीस चंडीगढ़ देहरादून न्यू दिल्ली मुंबई किस जगह पर चंडीगढ़ देहरादून न्यू दिल्ली चलिए भाई मीशो मीशो हाँ मीशो कोई उसकी है ना मीशो कोई ऐप है ना तो खाद उससे कुछ शॉपिंग ऑपिंग करते हैं मीशो चलिए चंडीगढ़ देहरादून न्यू दिल्ली और मुंबई क्या तो आप हो जाएंगे बेटा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो न्यू दिल्ली हो जाएगा नई दिल्ली ठीक है नई दिल्ली में हुआ है ये ठीक है इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस सत्रह से बीस अक्टूबर के बीच में होगी है दिल्ली में हो जाएगी राइट आगे बढ़ेंगे इसके साथ देखते हैं बेटा कुछ सवाल इंपॉर्टेंट और हैं जैसे कि अगर दिल्ली से बात की जाए और स्टेट से बात की जाए पहला जैसे तेरवा फिक्की ग्लोबल स्किल समिट दो हज़ार बाईस कहाँ पर होगी थर्टीन फिक्की ग्लोबल स्किल समिट दो हज़ार बाईस ये भी कहाँ होगी न्यू दिल्ली में होगी इसके साथ साथ में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन जिसका नाम सिम्फनी है तो सिम्फनी जो है आपका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है ये आपका लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा तो जी किशन रेड्डी जी हो जाएंगे जी किशन रेड्डी जी के द्वारा की जाएगी ठीक है अब इसके अलावा देखते हैं पिक्चर और आता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जाकर जगदीप धनखड़ जी तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्या किया है इनोग्रेट किया है थर्ड लोक मंथन प्रोग्राम तो तीसरा लोक मंथन प्रोग्राम जो है उन्होंने गुवाहाटी में क्या किया है इसको इसको इसका इनोग्रेशन किया है इसके साथ साथ में कौन से भारतीय शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है तो ग्लोबल फिनटेक समिट 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन द मुंबई तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा और इसके साथ साथ में शहरों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर आयोजित किया गया है ठीक है दोस्त आगे बढ़ा जाए गुड मॉर्निंग सिंटू यादव जी गुड मॉर्निंग चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या आता है अब देखो यहाँ से क्या होगा दोस्त देखेंगे कि, कि किस देश के लेखक उनका नाम होगा एनी एनॉक्स ने साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है तो विच कंट्रीज ऑथर एनी अर्नॉक्स हैज द दो हजार बाईस नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इटली फ्रांस जर्मनी डेनमार्क इटली फ्रांस जर्मनी या फिर हो जाएगा आपका डेनमार्क इनमें से कौन सा हो जाएगा किस देश के लेखक एनी आरनॉक्स ने साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता हो जाएगा जरा बताएं साहित्य यानी कि लिटरेचर इटली आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा गाजीपुर से गुड मॉर्निंग भैया यहाँ से मुंबई से आपको भी गुड मॉर्निंग सिंटू जी बहुत बहुत ढेर सारा प्यार आपके लिए तो जाएगा बेटा कौन हो जाएगा फ्रांस को जाएंगे राइट तो ये फ्रांस की हो जाएंगी ठीक है एनी अर्नॉक्स जो है और उनको लिटरेचर में क्या मिला है नोबल प्राइज़ मिला है ठीक है बात आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड इसके अलावा बेटा और सवाल देख लेते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में एक नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया है तो नारायण रेड्डी आपका साहित्य पुरस्कार दिया गया किसको प्रतिभा रे को दिया गया है इसके साथ साथ में साहित्य का नोबल पुरस्कार दो हज़ार इक्कीस किस दिया गया था पिछला वाला तो पिछला वाला नोबल पुरस्कार दिया गया था लिटरेचर में किसको दिया गया था अब्दुल नज्जाक गुरना को दिया गया था और किस देश के गृह मंत्री और हमारे भारतीय मूल की महिला शोला बेबरमैन को पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया है तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया, गया कहाँ पर ब्रिटेन को ब्रिटेन को ब्रिटेन ने दिया है क्योंकि वहीं की एलिजाबेथ है इसके साथ साथ देखेंगे किस अंतर्राष्ट्रीय हब्बे को हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ए एस क्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ए एस क्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि उसको हमारे एक हवाई अड्डे को हो जाएगा कौन सा कोचिन इंटरनेशनल हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा कोचिन हो जाएगा और इसके साथ साथ में एक भारतीय फिल्म है जिसका नाम है छेलो शो छेलो शो को ऑस्को दो के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है इक्कीस भाषा की फिल्म है तो छेलो शो एक गुजराती फिल्म है जिसको ऑस्कर दो हज़ार के लिए एंट्री मिली है छेलो शो ठीक है बात छेलो शो इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसी बात पर अब देखो बेटा अगला सवाल आता है दोस्त कि शेष भारत ने स्वराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है यह कप किस खेल से संबंधित है तो अभी हाल ही में मतलब सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत ने क्या किया है आपका ईरानी कप जीता है और ईरानी कप किस खेल से संबंधित होता है क्रिकेट से हॉकी से वॉलीबॉल से या फुटबॉल से बताएं क्रिकेट से हॉकी से वॉलीबॉल से या फिर फुटबॉल से बताओ भाई जल्दी से क्या कर रहे हो सारी सारी सो रहे हैं लग रहा है खुद का घात लगने लगता है चैट देखकर कोई बात नहीं है सारे बच्चे सो रहे हैं लग रहा है मुझे सारे सो रहे हैं ये ईरानी कप रिलेटेड टू द क्रिकेट तो ईरानी कप जो संबंधित है किस बेटा क्रिकेट से संबंधित है आपका ईरानी कप ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अब यहाँ पे देखा जाता है कुछ और कप आते हैं जैसे कि पूछा जाए डेविस कप ये डेविस कप किससे संबंधित हो जाएगा तो ये टेनिस से संबंधित हो जाएगा राइडर कप की बात करेंगे तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित हो जाएगा सुल्तान अजलान साहब कप की बात करेंगे तो ये हमारा फील्ड हॉकी से संबंधित हो जाएगा इसके अलावा उबर कप की बात करेंगे तो ये बैडमिंटन से हो जाएगा देवधर ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये हमारा क्रिकेट से हो जाएगा अगर दुरंत कप की बात करेंगे तो ये फ़ुटबॉल से हो जाएगा रजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये क्रिकेट से हो जाएगा रोबर्स कप की बात करेंगे तो ये फुटबॉल हो जाएगा विजय हजारी ट्रॉफी है जो वो क्रिकेट से हो जाएगी संतोष ट्रॉफ़ी जो है वो किससे हो जाएगी फुटबॉल से हो जाएगी और थॉमस कप किससे हो जाएगा तो ये बैडमिंटन से हो जाएगा वो भी पुरुष तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो कप हैं जो कप आपके पूछे जाएंगे ये कप आपको याद कर लेने हैं बोलो हाँ या ना अरे बोलो भाई ये कप आपको क्या कर लेने हैं याद कर लेने ये सारे इम्पोर्टेंट कप मैंने आपको एकदम लाइन से लिखा दिए कौन सा किस खेल से संबंधित है इन कप को एक बार याद कर लेंगे ठीक है दोस्त हाँ या ना इसको याद कर लेना ठीक है चलिए भाई अब बढ़ते आगे की तरफ इसका अगला सवाल क्या आता है कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में क्रू फाइव मिशन लॉन्च किया गया है तो विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च क्रू फाइव मिशन तो किसने हमारा क्रू फाइव मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा नासा इसरो या स्पेस इस एक्स जाक्सा नासा इसरो या फिर हो जाएगा स्पेस एक्स जरा बताइए फटाफट फटाफट फटा।

किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है तो कौन से राज्य में सबसे पहला हिमस्खलन बोले तो फर्स्ट एविलान्चिस जो रडार आपका स्थापित किया गया वो हो जाएगा कौन सिक्किम हो जाएगा और इसके साथ साथ में इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए पचहत्तर ग्रामीण स्कूलों से सात लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा आज़ादी सेट क्या हो जाएगा आज़ादी सेट हो जाएगा यानी कि सैट मतलब सेटेलाइट तो डेवलप सात सौ पचास लड़कियों ने डेवलप किया है जो कि पचहत्तर रूरल स्कूलों से मतलब ग्रामीण स्कूलों से चुनी गई थी तो उसका नाम हो जाएगा इसरो सेट हो जाएगा और इसके साथ साथ में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष आन उसका नाम हो जाएगा दानुरी तो दानुरी जो है आपका एक, एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि कहाँ भेजा जाएगा आपका चंद्रमा भेजा जाएगा वो लॉन्च किया है कौन हो जाएगा दक्षिण कोरिया तो दक्षिण कोरिया का ये दूसरा अपना एक अंतरिक्ष चैन है जो कि कहाँ भेजा जा रहा है चंद्रमा पर भेजा जा रहा है इसके साथ किसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए स्काई लाइट अभ्यास आयोजित किया गया है तो बाई विच विच वाई वोम इज द एक्सरसाइज स्काई लाइट कंडक्टेड फॉर द स्पेस बेस्ड एसेट्स तो जाएगा, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी ने अभी जो एक्सरसाइज की उसका नाम हो जाएगा स्काई लाइट हो जाएगा ठीक है दोस्त इसके अलावा नासा जो है नासा के हमारे एक पर रोवर ने किस ग्रह की है? हमारी सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि हम लोग अर्थ पर जो लोग बने हुए हैं वो कैसे कहला जाते हैं ये कार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं तो लोग कार्बनिक पदार्थ में आते हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो मंगल की सतह पर भी मिले हैं तो देखो एक सवाल था, हमारा था किससे हमारे स्पेस से संबंधित था स्पेस मिशन से संबंधित था तो हाल ही में हमारे स्पेस से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आपका ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी ये चलो नहीं इंपॉर्टेंट होगा लेकिन आपका बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं राइट चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी बात पर वेरी गुड नहीं नहीं अपना सेकेंड है, सेकेंड एयरक्राफ्ट भाई मीनल जी कहाँ है मीनल देवगड़े जी ये आपका हो जाएगा कौन सा बेटा आपका ये सेकेंड है ठीक है इसका लिखा तो है सेकेंड साउथ कोरिया अपना पहला अच्छा हाँ अपना पहला पहला है सेकंड पहला ही है पहला ही पहले सॉरी पहला ही है सेकेंड में गलती से पढ़ लिया सेकंड किसी और का था तो ये पहला इन्होंने लॉन्च किया है आपका दक्षिण कोरिया चलिए सर काल का क्या सी आल का काल अच्छा कल कल अच्छा कल का मतलब होता है के ए एल यूज़ करते हैं के ए एल कल यूपी करंट अफेयर्स लेना ठीक है बेटा ले लूँगा मैं ठीक आगे बढ़ते हैं चलो अगला सवाल आना चाहता है क्या कि डब्ल्यू एच ओ के कार्यकारी बोर्ड में किसने के प्रतिनिधित्व के लिए भारत बंसी डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया है तो इंडियन ओरिजिन ऑफ द डॉक्टर विवेक मूर्ति हैज़ बिन डिलीड इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट होम ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड डब्ल्यू एच ओ इंडिया बांग्लादेश अमेरिका जापान इसमें से जो जाएगा हमारा जिसको चुना गया जैसे विवेक मूर्ति जी जो है वो आपके चुने गए आपके रिप्रेजेंट करने कर रहे हैं आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डब्ल्यू एच तो जाएंगे बेटा आंसर इसका क्या हो जाएगा अमेरिका राइट अमेरिका इज द राइट आंसर नाम से होता विवेक मूर्ति विवेक मूर्ति है विवेक मूर्ति जी काफ़ी स्मार्ट है देखिए हो जाएंगे विवेक मूर्ति काफ़ी स्मार्ट है और कहाँ का यूएसए हो जाएंगे वेरी गुड वेरी गुड तनु और आप हो जाएंगे आशीष पटेल और मीनल दोगड़े और ऊपर देखते हैं बेटा वन लाइनर कंपाइल करके दे दीजिए राहुल कुमार कोशिश करेंगे वादा नहीं कर सकते उसके लिए तो जो जो काम कर नहीं सकते उसके लिए वादा करने की ज़रूरत नहीं है बाकी मैं डेली कंटेप पढ़ा रहा हूँ अगर आप कंटिन्यू आ रहे होंगे क्लास में तो आपको वन लाइनर वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं मैं ऑलरेडी आपको डेली कम से कम साठ सत्रह सवाल करा देता हूँ ठीक है और अगर आप अभी आके अचानक से मांगो कि मुझको मुझको क्या बोलते हैं बन लाइनर दे दीजिए थोड़ा सा नाइंसाफी होगी ठीक है आप क्लासें करिए और जो क्लासें मैं ले चुका हूँ वहाँ पर मैंने आपको सारा ये सारा दिया हुआ है राइट हाँ एग्जाम्स पहले दे सकता हूँ कंपेयर करा के वो अलग बात है दे दूंगा ठीक है बात आगे बढ़ेंगे चलो ठीक है दोस्त राहुल नाम तो सुना होगा बाल कलर करवाए हैं कुछ लोग आजकल वाइट कलर करवा रहे हैं पहले एक फैशन चला करती थी कि लोग बाल मतलब काले करवाते थे पीले करवाते थे अभी तो बाल जो है लोग वाइट भी करवाते हैं करवा रहे हैं एक बार ऑफिस में बंदा है मतलब मैं नाम नहीं लूँगा सुनना रहा हो बस मतलब लिटरली उसके बाल ना कैसे हैं मतलब कैसे बताऊँ तुमको अरे ये जो कलर है ये जो लिख रहा हूँ पेन से पूरे बाल उसने ऐसे करा रखे हैं और ऐसे अगर एक साइड करके आता है ऐसे तो अदाओं में चलता है भाई वैसे मज़ा आ जाता है उसको तो पूरे बाल उसे पिंक करा रखे हैं राइट पिंक करा रखे हैं उसकी अदाई भी थोड़ी पिंक पिंक सी हैं ठीक है हमारे ऑफिस में नीचे वाली फ्लोर पर है हमने देखा उसको हमने वाह ठीक है आगे बढ़ेंगे चलिए नहीं नहीं आईब्रोज का और सरके वालों का कनेक्शन नहीं है सर आईब्रोज खाली रहती हैं सरके बाल कभी कभी वाइट हो जाते हैं डोंट वरी ठीक है worry, और राहुल में तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको आ, आ, क्या बोलते हैं कब जो हमारा कंपाइलेशन पायलेशन है वन लाइनर वो देखता हूँ कोशिश करता हूँ देने का बट आप लोग इसको पढ़ो आगे बढ़ते हैं सही में भाई आदाई भी उसकी पिंकी पिंकी सी है पिंकी 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 आगे बढ़ते हैं चलिए इसके अलावा देखते हैं किस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है तो वो एज बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द दे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी तो आपको जाएगा यहाँ पर कि अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द दे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी हो जाएंगे हमारे देव शीशा जी राइट तो देव शीशा हो जाएंगे इसके साथ किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानरक्षक बनाया गया है तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानरक्षक किसको बनाया गया है तो यहाँ पर देखेंगे आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तो यहाँ पर जाएगा बेटा कौन सा प्रवीण छावड़ा जी प्रवीण छावड़ा जी को बनाया गया है और बेटा मेरे देखेंगे कि किस भारतीय वैज्ञानिक को डी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो डी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किस भारतीय वैज्ञानिक को वो जाएंगे हमारे समीर भी कामत समीर भी कामत हो जाएंगे जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है ठीक है बात इसके साथ किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है तो यहाँ पर वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया किसको बेटा या ग्लोबल पीस एम्बेसडर चुना गया है बबीता सिंह जी को चुना गया है बबीता सिंह जी राइट इसके साथ साथ में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है तो यहाँ पर हु हैज बिन टेकिन ओवर एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पीआईबी. तो जाएंगे वो सत्येंद्र प्रकाश हो जाएंगे राइट सत्येंद्र प्रकाश जी हो जाएंगे ठीक है बात आगे बढ़ेंगे सत्येंद्र प्रकाश हो जाएंगे ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अब यहाँ सवाल आता है बेटा कि रुपए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर कितने रुपए तक के लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा देर विल नो चार्ज फॉर द ट्रांजेक्शंस अप टू हाउ मैनी रुपीज़ ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यू पी आई यूजिंग रुपये क्रेडिट कार्ड रुपये क्रेडिट कार्ड से पैसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा अच्छी खबर है पाँच हज़ार दो हज़ार दस हज़ार या पचहत्तर सौ चलो भाई रुपये क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यू पी आई पर कितने रुपये तक के लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जाएगा चलो बताएं पाँच हजार दो हज़ार दस हज़ार पचहत्तर हज़ार पाँच सौ जाके बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा दो हज़ार हो जाएगा राइट तो दो हज़ार रुपये तक के लिए कोई भी हमारा अगर रुपये क्रेडिट कार्ड से करते हैं पेमेंट तो आपका यहाँ से कोई भी आपका शुल्क नहीं पड़ेगा चलो भाई एक का एक खबर मेरे लायक आगे बढ़ेंगे ठीक है दो हज़ार हो जाएगा इसका जवाब वेरी गुड तनु राठी काजल यादव वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ और ऐसे सवाल आते हैं का जैसे कि अगर बैंक की बात करें मनी की बात करें ये किससे था बेटा बैंक से था यू से था मतलब बैंकिंग सिस्टम से था ये तो बैंकिंग सिस्टम सवाल देख लेते हैं एक बार एक बैंक ने अभी खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया बी सी आई पी का किया लॉन्च किया है तो बी सी आई पी जो है अकाउंट ओपनिंग के लिए लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने ठीक है इसके साथ एक बैंक के द्वारा हमारा एग्री इन्फिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है और एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा हमारा बैंक हो जाएगा हो जाएगा एश बैंक हो जाएगा इसी के साथ साथ एक बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड जो है लॉन्च किया है तो बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च करने वाला जो बैंक हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा क्या हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा इसके साथ साथ जिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क की पहल की शुरुआत की है वो कौन सा हो जाएगा तो विच बैंक हैज लॉन्च हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव हो जाएगा कौन सा बैठा एक्सिस बैंक हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सिस बैंक हो जाएगा और इसके साथ साथ में किस बैंक ने लाइफ स्टाइल केंद्रित कॉरपोरेट वेतन खाता लॉन्च किया है तो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लाइफ स्टाइल केंद्रित कॉरपोरेट वेतन वेतन खाता लॉन्च किया है तो कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है जरा बताइए वेरी गुड तो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा क्या हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा ठीक है दोस्त आगे बढ़ा जाए चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मुस्कान जी आ चुकी हैं कान सिंह मुस्कान सिंह कान सिंह गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग आज सारे गलत हो रहे हैं इसलिए बच्चे छोड़ छोड़ के जा भी रहे हैं बेटा करंट अफेयर्स में तो सही कहाँ हो सकते हैं यार करंट अफेयर्स अगर सब सही हो जाने लगे तो करंट अफेयर्स कैसे हुआ हाँ ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें ये आपको रिविजन वाली चीज़ें हैं ये तो नया चीज़ है अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं आप उसको पढ़ो चुपचाप शांति से ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्त इसके अलावा भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन अभी हाल ही मनाया गया है इंडियन एयरफोर्स डे आठ अक्टूबर राइट तो जाएगा हमारा आठ अक्टूबर हो जाएगा इसी के साथ किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है तो अल्ट्रा मैन इंडिया खिताब जीतने वाला कौन हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा आप कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल राजीव मोहन गुप्ता ए के सामंत्रा तरुण कुमार चावला कौन हो जाएगा इसमें हाल ही में ऑल्टमैन इंडिया का खिताब जीता है किसने चलो भाई तो आंसर होगा बेटा या। यहां से क्या हो जाएगा इधर आंसर हो जाएगा आपका कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल तो कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल ने जीता है हमारा कौन सा हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है राइट अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे अब देखो कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं जैसे कि अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो बी डब्ल्यू एफ विश्व कप चैम्पियनशिप में बी डब्ल्यू एफ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका आप एकल खिताब जो जीता है वो जाएगा कौन सा वेक्टर एक्सल्सन हो जाएंगे वक्टर एक्सलसन इसके साथ साथ में किस राज्य की रहने वाली बंशिका परमार ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है तो मिस अर्थ 2022 हो जाएंगी कौन सी हिमाचल प्रदेश की हो जाएंगी क्या नाम हो जाएगा बंशिका परमार हो जाएगा इसके साथ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में सिंगापुर ओपन 2022 में सुपर 500 हंड्रेड खिताब जीता है वो जाएंगे कौन बेटा पी वी संधु हो जाएंगे राइट पी वी संधु तो पी वी संधु ने जीता है बेटा कौन सा हमारा एक सिंगापुर ओपन दो हजार बाईस में जीता है राइट इसके साथ यूएस ओपन दो हजार बाईस जीतने वाला आपका पुरुष एकल खिताब किसने जीता है वो जाएंगे सी अलगराज गारफिया तो सी अलगराज गारफिया ने जीता है आपका यूएस ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इसके साथ साथ में किस देश ने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है तो यहां पर देखेंगे टाइटल ऑफ द वुमेन्स आपका यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल कॉम्पिटिशन इज द इज द इंग्लैंड राइट right? क्या हो जाएगा यहां पर इंग्लैंड हो जाएगा क्या हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे चलो जल्दी रिटायर होते हैं हाँ जल्दी रिटायर क्या होते हैं मतलब आर्मी में युवक जाना जरूरत होती है और रिटायरमेंट इसकी जल्दी हो जाती है लोग काम करते करते थक भी जाते हैं ऊपर से क्या होता है इनकी पेंशन भी होती है पेंशन भी होती है आराम से उनको क्या बहुत सुविधाएं मिलती हैं अब जैसे कि जो आर्मी वाले होते हैं जब वो जॉब पर जाते हैं देखो बहुत मतलब पैसा इन द सेंस कि एक तो उनको सब्सिडी भी सारी चीज़ें मिलती हैं राइट अगर कैंटीन होती है इनकी अलग सारा सामान जो बाहर मार्केट हम लोग परचेज करते हैं वो सब्सिडाइज होता है घर जो मिलता है वहाँ रहने के लिए वो तो मतलब मतलब आर्मी की तरफ से ही होता है तो सैलरी का काफ़ी कुछ स्कोप हो जाता है लेकिन रहते हैं वहीं पर हैं कैंपस में भारी दुनिया से मिल मिल नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं उसके बाद फिर पेंशन में घर मिल जाती है तो रिटायरमेंट ले लेते हैं फिर आराम से घूमते घामते मस्ती मतलब मस्ती करते हैं ठीक है लेकिन उस लाइफ के बाद काफ़ी कुछ दे चुके होते हैं देश को बीस बाईस साल की उम्र में ज्वाइन कर लेना फिर उसके बाद फिर चालीस साल तीस पैंतीस साल की सर्विस देना राइट आगे बढ़ेंगे चलो अगला पी डी एफ मिलेगा पवन सारस्वत जी पी डी एफ मिलेगा मिल जाएगा पी डी एफ चलो पी डी एफ इसे क्यों बढ़ जाते तुरंत तुरंत सुबह सुबह चलो अगला पी डी एफ मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा थोड़ा डिलेट मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं स्ट्रेटिजी जीके राइट तो जीके की बात करते हैं हम यहाँ पर जीके की बात करेंगे यहाँ पर चलो कुछ सवाल इंपॉर्टेंट जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे बेटा आपको हो जाएगा जिप्सम तो जिप्सम का फॉमला होता है सी ए एस ओ फोर टू एस टी और इसमें से पानी निकल जाता है तो हाफ एस टी जो बचेगा मोलिकूल का इसमें तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सूखा होता है इसके अलावा मछलियाँ किसकी साथ सांस लेती हैं तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं और पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फोटो सिंथेथिस या बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इसके साथ साथ में दूध से क्रीम जिस प्रक्रिया से निकाली जाती है उसको बोलते हैं कि हम लोग सेंट्री फ्यूगल सेंट्री फ्युगल फोर्स बोलते हैं या अप केंद्रीय बल बोलते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम एक में आए हुए हैं अप केंद्रीय बल या बोलेंगे सेंट्री फ्योगल फोर्स बोलेंगे श्रीमांत गांधी मैं आपको कल भी पढ़ा रहा था श्रीमांत गांधी या फिर बोले तो प्रिंटर गांधी हो जाएंगे खान अब्दुल गफार खान हो जाएंगे इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा वो जाएगा ग्रीन लैंड हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ग्रीन लैंड हो जाएगा ठीक है बात ये कुछ हमारे सवाल थे ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे चलो अब बढ़ते हैं हमारे कुछ रैपिड फायर की तरफ तो ये रहेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन रैपिड फायर और अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस हफ्ते जैसे पी डी एग्जाम है तो सोच रहा हूँ कि मंथली वाइज क्वेश्चन डाल दूँ जैसे आज अक्टूबर के हैं सितंबर के फिर जुलाई के अगस्त के तो रैपिड फायर में आपके कुछ मंथली वाइज आपके क्वेश्चन जो है सोच रहा हूँ डाल दूँ कैसा रहेगा चलिए तो मंथली वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर चलो आगे बढ़े छह दिन तक जब तो पीटी होता तब तक पहला सवाल अक्टूबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपये डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो रुपये डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रुपये डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए यहाँ पर ये सही रहेगा आते तो है नहीं लोग यार आते तो है नहीं ये सही क्या रहेगा अक्टूबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपये डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका कौन सा ओमान हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा ओमान हो जाएगा तो ओमान के साथ इन्होंने क्या किए हैं एम पर साइन किए हैं ठीक है, है अब देखो सत्ताईस अट्ठाईस लोग देख रहे हैं तीस लोग देख रहे हैं तीस लोग के तीस लोग के लाइव होते हैं इतना बढ़िया कंटेंट देने के बाद और कंटेंट बाकी आप लोग अभी एहसास नहीं हो रहा एहसास होगा आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तो कम लोग इतने कम लोग आते हैं फिर उसके बाद ना मतलब खैर छोड़ो खैर चलो तो आप लोग जाना जाना लोग आया करो सुबह लाइव आया करो राइट कम से कम सौ लाइव तो कम से कम रहे आपको कम से कम तीन महीना हो गया है करंट अफेयर्स क्लास चलते चलते ढाई महीना हो गया है ढाई महीना में भी अभी ही लाइव आ रहा है तो फिर ग्रोथ क्या है कुछ नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें करंट सुबह जाता है लोग उसको सुबह प्रेफर करते हैं चलिए आगे बढ़ता तो इसी के साथ अगला अब आज देखते हैं कि स्पेस एक्स लॉन्च हाउ मेनी पीपल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम द फ्लोरिडा ऑन द पाँच अक्टूबर 2022 स्पेस एक्स ने पाँच अक्टूबर 2022 को फ्लोरिडा से कितने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है तो स्पेस एक्स लॉन्च हाउ मैनी पीपल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम द फ्लोरिडा ऑन द पाँच अक्टूबर दो चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अलावा देखते हैं तीन चार पाँच छः आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाता है यहाँ से छः छः इज़ द राइट आंसर हो जाएगा छः रॉकेट लॉन्च किए राइट चलिए पंकज सर का कंटेंट और मेरा कंटेंट बहुत अंतर रहता है आप अगर मिलाओगे दोनों को तो दोनों का ही कंटेंट अलग रहता है राइट आखिरी क्वेश्चन कुछ वो मिल जाते होंगे वो अलग बात है लेकिन पूरा कंटेंट देखोगे ना तो दोनों ही अलग हो जाएगा राइट साढ़े सात से कर लो बच्चे उठ नहीं पाते हैं अच्छा देखते हैं बेटा आगे बढ़ेंगे आंसर क्या हो जाएगा छः हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम द चार अक्टूबर दो हजार बाईस तो चार अक्टूबर दो हजार बाईस से प्रभावी बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोले तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव आपका ऑफिसर राइट चलो सीई ओ किस को बनाया गया है आंसर जाकर बेटा आपका कौन सा जाएगा यहां से मोहित भाटिया मोहित भाटिया दिया किसी ने आंसर सब ने मोहित भाटिया दिया है वेरी गुड मीनल रोहित रितु का सब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रितु मीनल काजल प्रशांत और इसके साथ में प्रशांत राइट right? सब ने आंसर दिया आगे बढ़ेंगे इधर इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022 में वस्तु व्यापार में कितने परसेंट की वृद्धि होगी तो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्फॉर्म दैट आपका मर्सेंडाइज ट्रेड वुड इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंट इन दो तो जाकर बेटा आंसर इसका टू पॉइंट फाइव थ्री थ्री पॉइंट फाइव फोर तो पर बेटा देखेंगे कि अगर दो में वस्तु तो व्यापार में अगर वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी लगभग लगभग थ्री परसेंट की थ्री पॉइंट फाइव चलिए वेरी गुड अंकिता एंड एंड जाट जी गुड मॉर्निंग uh, राम 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 अगला सवाल अक्टूबर 2022 में सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है इन अक्टूबर 2022, हजार बाईस द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड होम एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल तो अब पर जाएंगे कपिल सिंह दिनेश कुमार शर्मा या दिनेश भट्ट या फिर हो जाएंगे नीलम शर्मा इनमें से क्या जवाब आपका हो जाएगा तो या आंसर होगा बेटा कौन सा आपका हो जाएगा इधर दिनेश शर्मा हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे दिनेश कुमार शर्मा हो जाएंगे ठीक है दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी बात पर दिनेश कुमार शर्मा अब यहाँ सवाल बनता है कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द पार्लियामेंट्री अफेयर्स बी मुरलीधरन इज एन ऑफिशियल विजिट टू कंट्री टू पार्टिसिपेट इन हाई लेवल इवन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट ऑन पीस एंड द सिक्योरिटी इन द अफ्रीका विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हमारे जो है बी मुरलीधरन एक दो न्यूज की न्यूज आपकी ये बन जाती है कि अब राज्य मंत्री कौन हो जाएंगे हमारे बी मुरलीधरन हो जाएंगे जो कि अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बहस में भाग लेने के लिए देश की आधिकारिकता पर क्या करने वाले हैं यात्रा कर रहे हैं तो जाएगा यूएसए फ्रांस जापान जर्मनी यूएसए फ्रांस जापान जर्मनी से हो जाएगा बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए हो जाएगा राइट यूएसए हो जाएगा वेरी गुड तनु और प्रशांत प्रशांत तनु काजल और पवन सारस्वत पाखी शर्मा उत्कर्ष उपाध्याय आगे बढ़ेंगे पाँच अक्टूबर दो को प्रक्षेपित नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है तो यहाँ पर तो फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू तो गो टू तो द स्पेस फॉलोइंग अ नासा लॉन्च ऑन द पांच अक्टूबर 2022 एंड्रयू लुइस निकोल मान डायना या फिर हो जाएगा बेथनी मॉन्टेड उनका नाम हो जाएगा निकोल मान ये भी मैंने सवाल आप लोगों को कराया जाता ठीक गया है ठीक है बात आंसर हो जाएगा आपका निकोल मान हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है कि सितंबर 2022 में जारी की गई एक नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसको एस आर एस बोलते हैं ये 2020 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में सामान्य प्रजनन दर जी में कितनी गिरावट आई है तो एज पर द डेटा ऑफ द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एस आर एस दो हज़ार बीस रिलीज इन द सितंबर दो हज़ार बाईस द जनरल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन बाई हाउ मच परसेंट इन द इंडिया लास्ट टेन ईयर तो दस परसेंट में हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो घट घट गई है और वो फर्टिलिटी रेट हो घट गई कितने परसेंट से आपका आंसर हो जाएगा बीस परसेंट से वेरी गुड ये बड़ी चिंता का विषय है बीस परसेंट से फर्टिलिटी रेट घटना ठीक है महिलाओं का आगे बढ़ते हैं इसी साथ देखते हैं बेटा कि हु हैज़ लॉन्च द बुक मोदी एट द रेट ट्वेंटी ड्रीम्स मीट डिलीवरी इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड इन द अक्टूबर दो हज़ार तो अभी अक्टूबर दो में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट द रेट ट्वेंटी ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया गया और वो विमोचन किसके द्वारा किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर अमित शाह नितिन गडकरी यहाँ पर हो जाएंगे बेटा आपका सर्वानंद सोनोवाल बताएँ तो वहां से आप जाके बैठा कौन सा आपका डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे राइट एस जयशंकर जी ने क्या किया इसका विमोचन किया मतलब उसको चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं अगर आई की बात करते हैं तो आई की जो पांचवी असेंबली है जो सत्रह से बीस अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है उसके असेंबली की अध्यक्षता कौन करेगा या उसकी अध्यक्षता कौन करेगा उसकी बोले तो आपका प्रेसाइड कौन करेगा ऑप्शन हो जाएंगे केंद्रीय मंत्री आर के सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन से ऐसे यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो यहाँ पर बेटा इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो हो जाएंगे हमारे कौन यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह केंद्रीय मंत्री आर के सिंह हो जाएंगे ठीक है बात आगे बढ़ेंगे इसी के साथ वेरी गुड आर के सिंह राइट आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी भाषा दीजिए इसको चलिए द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फोरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीता इंट्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ये अच्छा सवाल है चीतों का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स क्या किया गया गठन किया है देख रहे हैं भाई साहब देख रहा है विरोध टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है तो टास्क फोर्स का जो गठन किया जाएगा वो जाए कौन से बेटा? कुनो पार्क, हो जाएगा कौन सा बेटा कूनो नेशनल जवाब हो जाएगा नेशनल पार्क ठीक है अब देखते बेटा यहाँ से सात अक्टूबर दो को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक अमेरिकी वाहक पोत के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है तो विद विच कंट्री डिड द यूनाइटेड स्टेट्स बिगिन ज्वाइंट मरीटम एक्सरसाइज विद एयरक्राफ्ट करियर ऑन द अक्टूबर दो हजार बाईस आंसर आपका क्या हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका रूस आपका जापान या फिर दक्षिण कोरिया एनी वन जापान तरुण दिया जापान काजल ने साउथ कोरिया दिया है और यहाँ पर बाल मुकुंद ने डी दिया है आपका साउथ कोरिया और फिर ने जापान दिया आंसर क्या हो जाएगा हमारा आपका साउथ कोरिया इज द राइट आंसर तो जिनका आंसर साउथ कोरिया हो जाएगा वो एकदम से करेक्ट हो जाएंगे जैसे कि हमारी काजल मीनल और यहाँ पर मोमिता पॉल जी राइट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवाल यहाँ से आता है दोस्त कि छः अक्टूबर दो को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच स्टेट इनोग्रेटेड द स्टेट ओलंपिक ऑन द छः अक्टूबर दो पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ गुजरात पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ द गुजरात इनमें से आपका जॉब हो जाएगा क्या बेटा आंसर हो जाएगा आपका कौन सा छत्तीसगढ़ राइट क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा ठीक है बात छत्तीसगढ़ हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अब यहाँ से सवाल आता है दोस्त देखेंगे कि द नेशनल आपका द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया एन पी सी आई हैज इन्फॉर्म्ड देयर विल बी नो चार्ज फॉर रुपये क्रेडिट कार्ड यूज ऑन द यूनिफाइड पेमेंट मतलब यू पी आई के लिए जो क्या किया जाएगा आपका चार्ज नहीं लगेगा तो कितने रुपए इसके आपका लिमिट तक आपका यू पी आई के थ्रो चार्ज जो है वो नहीं लगेगा इसके ऊपर का ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज लगेगा रुपए क्रेडिट कार्ड से तो आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा आपका दो हो जाएगा राइट कितना हो जाएगा दो हो जाएगा चलिए भाई यू पर रुपये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर कितने रुपये तक लेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा दो हजार तक वेरी गुड अच्छी बात है ये चलिए भाई फायदा उठाया जाएगा इसका आगे बढ़ते हैं बेलारूस अब देखो देखा पे तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं तीन पॉइंट में बोला आपका कौन सा आपका सही हो जाएगा तीन पॉइंट में से पहला पॉइंट बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता जो है आपके एलिस बलिया जो है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज ने 2022 को नोबेल पुरस्कार जीता है या नोबेल शांति पुरस्कार जीता है पहला वाला चलिए पहला वाला क्या हो जाएगा से बेटा आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा इसके साथ में बेलारूस के एक आया एलिस बेलियाकी उन्नीस सौ अस्सी के दशक में देश में लोकतंत्र आंदोलन के आरम्भकर्ता में से एक हुआ करते थे ये भी सही हो जाएगा और 2021 का नोबेल पुरस्कार पत्रकार मारिया रशा और दमित्री मित्री को दिया गया था ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा तो यहां से आप जाएगा वन टू एंड द थ्री इज द राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है बात चलिए वेरी गुड अगला क्वेश्चन अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई विच डे इज वॉज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड स्माइल डे इन दो विश्व मुस्कान दिवस कांगी भाई मुस्कान विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है विश्व मुस्कान दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है सात अक्टूबर तेरह अगस्त उन्नीस जुलाई या फिर तीस सितंबर तो विश्व मुस्कान दिवस जो है बेटा वो सात अक्टूबर मनाया जाता है राइट किसको मनाया जाएगा सात अक्टूबर को मनाया जाएगा सेवन अक्टूबर वेरी गुड चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आता है अब देखो यहाँ से देखते हैं दोस्त कि भारत में वायुसेना की स्थापना को चिन्हित करने के लिए भारत प्रतिवर्ष आठ अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो है वो मनाता है तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा चलिए तो अभी क्या हुआ था भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी उन्नीस में इस दिन या 2022 में आई अपना पचानवे स्थापना दिवस मना रहा है या वायुसेना प्रमुख बी आर चौधरी है या इनमें से उपरोक्त सभी ज़रा बताएं तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका वायुसेना प्रमुख जो है वो बी आर चौधरी जी हैं यही सही हो जाएगा बाकी क्या हो जाएंगे आपके दोनों गलत हो जाएंगे तुम्हारी जो भावनाएं हैं ना इनमें थोड़ा काबू रखा करो इन पर थोड़ा काबू रखा करो एयरफोर्स आपका सब सब सही लगा दिए एयरफोर्स देखो बजा यहाँ पर उन्नीस नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी तो यार तो गलत हो गया ठीक है बात अब 1932 में हुई थी तो जो लो 2022 में कितना हो जाएगा लगभग लगभग ये हो जाएगा करीब नब्बे के आसपास हो जाएंगे 91 या कुछ ऐसा कर हमारा स्थापना दिवस मना रहे होंगे नाइन्टी के आसपास ठीक है बात और मेरे क्या बोलते हैं अक़ल के दुश्मनों हाँ मेरे अकल के दुश्मन हो क्योंकि अकल क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ अकल के दुश्मन क्योंकि तुम लोग मूर्ख मूर्ख वाले काम कर रहे हो पूछो क्यों जब इन्होंने लिखा हुआ था पचानवे लिखा हुआ है यहाँ पर कि पचानवे स्थापना दिवस मना रहे हैं अगर ये ठीक होगा तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि 2022 चल रही है उसमें पचानवे घटा दो तो ये तो उन्नीस सौ सैंतालीस तो पहुँचेगा नहीं पचहत्तर पहुँचेगा सेवेंटी फाइव पहुँचेगा अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया तुम लोगों ने पचहत्तर साल में तो नब्बे पचानवे कैसे हो जाएगा पहले तो कॉमन सेंस तो यही बात हो गई तो सवाल को पहले पढ़ लिया करो समझे मूर्खानंदो पहला पॉइंट तो ये हो गया ना कॉमन सेंस वाली बात होगी नाइन्टी फाइव लिखा हुआ है अगर उन्नीस में तो अभी से तो पचहत्तर साल हुए ना तो ये दूसरा अगर पहला सही दूसरा सही नहीं है दूसरा पहला सही नहीं है तो आपका ऑब्वियस बात है कि आपका ऑल तो होगा ही नहीं अब एक ऑप्शन चला गया अब आप बजता आपका नॉलेज हम नॉलेज टेस्ट करो ठीक है आगे बढ़ेंगे चलिए वेरी गुड अगला सवाल देखते हैं क्या आता है निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट बन गया है तो योगासन में हमारा थर्टी सिक्स नेशनल हमारे, हमारे गेम्स हुए थे इसमें योगासन में पहला एथलीट बन गया है स्वर्ण जीतने वाला रवि कुमार प्रिय सिंह या उदय कुंबले या पूजा पटेल इनमें से कौन हो जाएगा आंसर जाएगा बेटा कौन सा आपका हो जाएगा पूजा पटेल जी हो जाएंगी पूजा पटेल तो पूजा पटेल ने योगासन में क्या जीता है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले एथलीट जो है वो बन गई हैं पूजा पटेल वेरी गुड पूजा चलिए काजल मोनिता और मुस्कान तनु ने सही आंसर दिया पूजा पटेल इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे दोस्त कि नागरिक विमान महानिदेशालय जिसको बोलते हैं डी इसने किस किस कंपनी को स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए आपके ए टू ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त हुआ है विच कंपनी हैज रिसीव द इंडियाज फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन फॉर इट्स इंडिजिनसली डिजाइंड ए टू हंड्रेड ड्रोन फ्रॉम द डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ द सिविल एवियेसन डी जी सी ए तो जाएगा ऑस्ट्रेलिया आपका एरोस्पेस लिमिटेड यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज या फिर बोले तो आपका जी एविएशन या बोले तो नॉर्थ रॉप आपका हो जाएगा ग्रूमैन इनमें से कौन सा जवाब होगा तो हो जाएगा जी एविएशन आंसर होगा बेटा कौन सा आपका एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है राइट तो एस्टेरिया कौन था बेटा मीनल आंसर सही दिया है और मीनल 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 सिर्फ मिनल ने ही आंसर सही दिया है इसके अलावा सबने गलत लगाया है मीनल ठीक है बात क्या बात है मीनल वेरी गुड तनुराठी ने भी सही आंसर दिया है और सबसे पहले मीनल ने दिया था राइट एस्टेरिया हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिससे कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है तो अभी ऐसे वाले को ऐसे पूछ सकते हैं हाल ही में किस देश ने ये अनाउंस किया है कि जो भी आप बनाओगे आप चाहे स्मार्टफोन टैबलेट कैमरा इन सब में एक ही चार्जर बनाओगे राइट कोई परेशानी है कभी टाइप बी लग रहा है कभी टाइप सी लग रहा है कभी कोई लग रहा है तो ये पूरी कंपनीज क्या करेंगी एक जैसा ही चार्जर जो है वो बनाएंगी और ये हो जाएगा बेटा कौन यूरोप हो जाएगा अब आपका जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा चलिए का चलिए आंसर दिया है आपका ए ब्रसल्स में वेरी गुड जो जिनका आंसर आपका ए है उन्होंने आंसर एकदम से करेक्ट दिया है

या भी सिद्धार्थ राजू आंसर जाके बैठा पे कौन सा ए बाल सुब्रमण्यम हो जाएगा राइट ये बाल सुब्रमण्यम हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्त आगे बढ़ेंगे चलिए अब यहाँ सवाल आता है दोस्त कि सवाल ख़त्म हो गए सवाल खत्म हो गया आपकी क्लास की टाइमिंग हो गई सर सिंगर भी थे बाल सुब्रमण्यम क्या आवाज़ थी उनकी हाँ बहुत मतलब क्या सिंगर थे मतलब बहुत 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 अच्छे सिंगर थे चलिए सिंगर थे क्या सिंगर हैं बाल सुब्रमण्यम बाल सुब्रमण्यम चलिए बाल सुब्रमण्यम ठीक है चलिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बाल सुब्रमण्यम जी बहुत पचम दिया उन्होंने म्यूजिक काफ़ी बच्चों में म्यूजिक दिया उन्होंने बाल सुब्रमण्यम ने बहुत मुझे पेचोम दिया राइट जैसे वो गाना ना आजा शाम होने आई तो ये सब मूवीज उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी यूनिक थी थोड़ी सी ठीक है चलो इसके अलावा आपका जो मेरा कोड है इधर आपका वो है ए पी एस इस कोड को अप्लाई करके आपको यहाँ आप पर मिल जाता है फिफ्टी परसेंट का ऑफ तो सुपर कोचिंग के किसी प्रोडक्ट पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ए पी एस तो आपको सीधे फिफ्टी परसेंट का ऑफ़ मिल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर अगर पी टी का वन सिक्सटी सेवन आपका चल रहा है पर मंथ तो मेरा कोड लगाने पर ही एट्टी थ्री रुपीज़ का पड़ जाएगा सीधे सीधे फिफ्टी परसेंट का ऑफ़ पड़ जाएगा ठीक है दोस्त चलो ऐसी बात पर और आगे बढ़ेंगे हाँ टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका इसमें क्लास की पी डी एफ आपको मिल जाएगी और लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा लेकिन पी डी एफ मिलेगी आपको क्लासों की सारी क्लासें हो जाएंगी जब पूरे दिन की उसके बाद देंगे अब मैं आपको सारी पी डी एफ ठीक है बात तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ जिन लोगों का पी ई टी के एग्जाम है वो कुछ होमवर्क आज करेंगे उस होमवर्क में पहली चीज़ तो आती है आपका जितनी भी रैंक है इंडिया की वो रैंक पढ़ लेंगे दूसरा रैंक के साथ साथ में आपका जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं इम्पोर्टेंट वगैरह तो इम्पोर्टेंट जो टूर्नामेंट्स हैं इनका क्या कर लेंगे बेटा इनका आपका क्या कर लेंगे बोलते बोले तो, तो हाँ टूर्नामेंट्स देख लेंगे जो बड़े बड़े हैं जैसे यू हुआ यू ओपन हुआ फ्रेंच वगैरह हुआ तीसरा पॉइंट पे क्या करोगे आप बेटा आप यहाँ पर जितने भी जी टैग इस बार दिए गए नए तो वो जी टैग देख लेंगे चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग फोर्थ पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ पर यूपी के द्वारा जो भी स्कीम आपकी चलाई गई कुछ करिए तो मैं करवा दूंगा सेशन आपको इसको हटा दो अभी इसको हटा दो इसके अलावा आप वो देखना एम्बेसडर वगैरह पढ़ लेना एम्बेडर तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए जाते हैं कंपनियों के जैसे पिछली बार पूछा गया था विवो वीवो को पूछा गया था पी में तो पी में लास्ट टाइम वीवो का पूछ दिया था इस वजह से ठीक है इस वजह से आप लोग इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा एम्बेसडर पर ध्यान दीजिएगा ठीक है बात इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से तब तक के लिए टाटा टेक केयर गुड बाय कोई सवाल हो बता दीजिए मुझे अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल है बता दीजिए कोई भी सवाल अगर है तो बता बता सकते हैं आप लोग ऐसा जरूरी नहीं है सिद्धार्थ चौधरी जी अगर आप मॉक लगा रहे हैं और क्लासें कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ठीक है सिद्धार्थ चलिए मिलते हैं तब तक तो के लिए टाटा बाबा टेक केयर गई टेक केयर गुड बाय 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 बाय